दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम फोरम कब से शुरू होंगे मेन परीक्षा के 2022 के। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में एक विज्ञप्ति हमारे पास में आ चुकी है। वीडियो में यहाँ पे सुबह बनाने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाया। दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर दिशा निर्देश चेंज हुए हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 2021-20-19 में जो एग्ज़ाम के रूल्स है वो यहाँ पे अलग है 2022 में। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसकी मत करना। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि फ़ीस कितनी है और किस किस के यहाँ पे फॉर्म शुरू हुए हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना और सभी के पास में शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं लगता तो डिसलाइक करना। और अच्छा क्यों नहीं लगा रीज़न आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक हमारे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी विज्ञप्ति है। ये जो फॉरम है यहाँ पे यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, जिसके अंदर बीकॉम, बीए, बीएससी और स्नातकोत्तर मतलब पीजी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इनके लिए फॉरम शुरू हुए हैं। यहाँ पे बीएड और एलएलबी और बीसीए वालों के लिए यहाँ पे फॉरम शुरू नहीं हुए हैं, जो कि यहाँ पे जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इस विज्ञप्ति को हम देखते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकावाटी विश्वविद्यालय सीकर ने सीकर से सबर झुंझुनू एवं सीकर जिले के निम्नांकित पाठ्यक्रम में अध्यंतर नियमित और स्वयं पैटी एवं पूर्व परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट पे ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं और कब से लेके कब तक भरे जाएंगे फॉरम और विलम्ब शुल्क कितना लगेगा और उसकी डेट क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे सबसे पहले है वो आप यहाँ पे देखिए परीक्षा का नाम। तो यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स मतलब कि 3 साल वाला है पास कोर्स, 1 साल में 1 एग्ज़ाम होती है, नियमित मतलब रेगुलर और प्राइवेट। यहाँ पे मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं और रेगुलर है और जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं अक्स स्टूडेंट जिनको आप बोलते हैं, उन सभी के यहाँ पर फॉर्म शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख यहाँ पे देखिए बीएससी, बीबीए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बीबीए के भी साथ में यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं वार्षिक पद्धति। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और नीचे देखिए समस्त स्नातकोत्तर उत्तराद पूर्वाद मतलब कि पीजी फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर वार्षिक पद्धति मतलब कि मेन एग्ज़ाम 2022 के उसके बारे में यहाँ पर नियमित और पूर्व के विद्यार्थी और स्वयं पाठी मतलब प्राइवेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए बिना विलंब शुल्क के यहाँ पे 17 तारीख से फॉरम शुरू हो जाएंगे। 17 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक फॉरम बिना शुल्क के भरे जाएंगे। कोई भी पैसा आपको नहीं मतलब कि विलंब शुल्क नहीं देना है, जितनी फीस है आपको उतना ही पैसा देना है। उसके बाद में यहाँ पर साइड में देखिए यहाँ पर देखिए 100 रुपये विलंब शुल्क सहित, मतलब कि अगर आप 17 से लेकर 4 अप्रैल तक फॉरम नहीं भर पाते हो तो 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे और जिसकी डेट हो यहाँ पे 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रखी गई है। उसके बाद में 200 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। इस तरीके से आगे आप फॉरम भर सकते हैं। यहाँ पे 3 ही बार विलंब शुल्क लगता है, उसके बाद में नहीं लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर स्नातकोत्तर जो एम ए, एम एस सी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ऊपर वाला है वो बीकॉम, बीए, बीएससी वालों के लिए यूजी अंडर ग्रेजुएट और निचले वाला है वो है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, यहाँ पे इसको मास्टर डिग्री बोलते हैं, ऊपर वाले को बेचलर डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बिना विलंब शुल्क के है यहाँ पे यूजी पीजी वालों के लिए वो यहाँ पे 23 मार्च से लेके और 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे। उसके बाद में आपको 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। उसकी यहाँ पर डेट है वो यहाँ पर 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक है, सेम डेट है, 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं परीक्षा के बारे में, तो उनको हम देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे पास में चार्ट है ये बहुत ही बड़ा है, तो आपको बताऊँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है सामान्य दिशा निर्देश। सबसे पहला है कि परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विधिनिष्ठ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी, अन्य शुल्क जमा नहीं करना होगा। और अवलोकन कर सकते हैं इसमें नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रतियाँ महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कॉपी, उसके बाद में समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में जमा करावे। आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रतियाँ होती है, 2 प्रतियाँ आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है, विश्वविद्यालय की होती है, ठीक है, और एक जो ऊपर वाली होती है वो अपने पास में रखनी है। और जो ये हार्ड कॉपी मिलेगी ना आपको, जो आप फॉर्म भराने के बाद में आपको मिलती है, वो आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है, विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवानी है। क्योंकि आप महाविद्यालय में जमा करवा देते हो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, उसके बाद में महाविद्यालय वो विश्वविद्यालय में सेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है, थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों आप आवेदन पत्र जो आप परीक्षा आवेदन फॉर्म भरोगे वो आपको महाविद्यालय में जमा करवाना है और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सेंड करेगा। अगर आप जमा नहीं करवाते और महाविद्यालय आगे ये बताते हैं कि इनका फॉर्म नहीं आया है, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है वो है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड दर्ज करना अनिवार्य है। परीक्षा फॉर्म आप जब भी भरोगे तो आपको आधार कार्ड कंपलसरी आपको देना ही होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है वो है कि महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेसित करने संबंधित प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश देखें। उसके बाद में यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित छात्र छात्रों की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे ये सभी कॉलेजों में कंपलसरी है कि यहाँ पे 75 आपकी अटेंडेंस वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, और ये आगे से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। इसके बाद में यहाँ पे है कि परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई विद्यार्थी अगर डाक से विश्वविद्यालय के नाम से अपना फॉर्म डाक से भेजता है तो वो यहाँ पे नहीं स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्म आप महाविद्यालय में जमा करवाते हैं वही फॉर्म यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे, इसमें ये दिया हुआ है 5वें पॉइंट में। 6th पॉइंट है यहाँ पे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं प्रैक्टिकल वाले, उनके लिए है कि प्रायोगिक विषय का चयन किया है करेंगे उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, इसमें ऐसा दिया है कि जिनका प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करवाना होगा। यहाँ पे जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनको अपने कॉलेज में जाना होगा और जो प्रशिक्षण शुल्क है प्रैक्टिकल फीस है वो यहाँ पे जमा करवानी होगी, और इस संबंध में शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी और अपने महाविद्यालयों से आप संपर्क कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अगर दोस्तों आप फीस जमा नहीं कराते हैं प्राइवेट जो प्रैक्टिकल फीस है प्राइवेट विद्यार्थी, तो उनकी यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी और उनके परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट दिया हुआ है, इसमें एक नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो दिशा निर्देश वो यहाँ पर ख़त्म हुए, उसके बाद में यहाँ पे कुछ अलग से और दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो है कि प्राचार्य समृद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि यहाँ पे दोस्तों जो कॉलेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपके आप महाविद्यालय में फॉर्म जमा कराओगे हार्ड कॉपी जमा कराओगे तो यहाँ पे कॉलेज के लिए है, महाविद्यालय के लिए है कि उनको जो आपकी हार्ड कॉपी है वो विश्वविद्यालय में कब तक जमा करवानी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सीकर ज़िला और नीचे झुंझुनू ज़िला, दो ज़िले के यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके अंदर सीकर ज़िले के अंदर तहसील आती है, यहाँ पे 3 तहसील है, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ दादारामगढ़ और नीचे यहाँ पे श्रीमाधोपुर निमका थाना और खंडेला।
और नीचे यहाँ पे दोद रामगढ़ सेगावाटी सीकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पोज करके। और इधर यहाँ पे डेट दी हुई है कि इस डेट से पहले पहले वहाँ आप जो आप हार्ड कॉपी है जो आपने कॉलेज में जमा करवाई है वो विश्वविद्यालय में जमा करवानी है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जितना भी अभी आएगा कुछ चीज़ें वो यहाँ पे महाविद्यालयों के बारे में ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम मतलब कि यूजी पार्ट प्रथम सेकंड और थर्ड और यहाँ पे पीजी के फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित छात्रों के फॉर्म भरवाए। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर जितने एडमिशन है उतने ही फॉर्म भरवाए। अगर आप किसी बाहर से किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरवाते हैं तो उसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा और उस पे जो विद्यार्थी हैं उसके 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और कैटेगरी को यहाँ पे बदल दिया जाएगा। मतलब कि छात्र की जो कैटेगरी है स्वयं पैटी उसको यहाँ पे रेगुलर भी कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे दिया हुआ कि नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश, यहाँ पे दोस्तों जो ब्लड जो यहाँ पे जो काला किया हुआ ज़्यादा गहरा है इसको मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा जारी प्रवेश नीति के प्रावधानों की अनुपालना की गई है। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा फोरम के साथ संलग्न करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे 75 वही उपस्थिति आ चुकी है। यहाँ पे नीचे ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए जो नीचे दिया हुआ है, ई मित्र आईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमाकर्ता के हस्ताक्षर, आपको ये फॉर्म में मित्र के द्वारा भरवाना है, वो वहाँ पे मोहर लगाएगा और यहाँ पे महाविद्यालय की मोहर अंकित होगी और परीक्षार्थी को रसीद मिलेगी कि आपका फॉर्म है वो यहाँ पे महाविद्यालय में जमा हो चुका है। यहाँ पे महाविद्यालय द्वारा भी एक मोहर लगाई जाएगी आपके फॉर्म पे, आप फॉर्म जमा करवा जाएंगे और वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगी। नीचे यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र कंप्यूटर प्रति ऊपर रहे। यहाँ पे दोस्तों महाविद्यालय द्वारा ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी जो कंप्यूटर कॉपी है वो हार्ड कॉपी के ऊपर होनी चाहिए। नीचे यहाँ पे कार्यालय प्रति में पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंक तालिका, जो आप अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो कुछ नहीं लगाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है। आधार कार्ड और साइन ये आपको लगानी है, एक फ़ोटो और आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर लिया और आप सेकंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगानी होगी। आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी मैंने आपको बताया था, ये संलग्न करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, स्नातकोत्तर पूर्वोत्तर प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी परीक्षार्थियों जिन्होंने स्नातक अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए, यहाँ पे दोस्तों जो पीजी के विद्यार्थी अगर वो अन्य किसी महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण की है तो उनके आवेदन पत्र के साथ प्रवेजन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आप सेकावा टीम से कर रहे हैं यूजी पीजी कुछ भी है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, सॉरी यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, उसमें टीसी के बारे में बता दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो इसकी आपको हार्ड सॉरी यहाँ पे फोटोकॉपी लगानी होगी, नहीं आपका जो फॉर्म भरा गया है वो यहाँ पे निरस्त हो जाएगा और इसके लिए महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा। महाविद्यालय में आपको जमा करवानी है। वापस से वही आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फीस के बारे में भी आएगा, या अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्रविष्टि ए दी हुई है, मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश हैं महाविद्यालय परीक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ पे वही है कि एक यहाँ पे तीन प्रतियाँ होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रति महाविद्यालय, एक प्रति विश्वविद्यालय, एक प्रति स्वयं परीक्षार्थी मतलब खुद के लिए होगी, दो प्रति आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है। और यहाँ पे एक बार जो आपका शुल्क जमा हो जाता है वो वापस दे नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ही भरना होगा। और अब यहाँ पे देखिए नीचे, इमित्र एक बार परीक्षा जमा होने के उपस्थिति वापस दे नहीं होगा, वही चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई थी, और आपको मित्र के माध्यम से ही भरवाना है। और अगर आप नगद या ड्राफ्ट के चेक द्वारा भरते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे दो नंबर का पॉइंट है,
2021 में प्रविष्ट हो चुके छात्र के परीक्षा पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर से भरे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, चाहे वो बीकॉम के हो, बीए बीएससी के या फिर एमए एमएससी के हो, अगर आपने पास कर ली है तो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट पिछले साल के रोल नंबर है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आप अभी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में अगला वीडियो बनाऊंगा जो कि फीस के बारे में होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है वो है कि विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक प्रथम पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट व अन्य कक्षा प्रेस फोर आवेदन पत्र बने से खुल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इतना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप देख लीजिए। ऐसे परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे जो ऐसे परीक्षार्थी, मतलब कि कौन कौन विद्यार्थी फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं, न्यू फॉर्म, ठीक है। तो इसमें पहला है 2021 में बैठे हैं, यहाँ पे 2021 की बात की जा रही है, परंतु किसी कारणवश रोल नंबर से परीक्षा आवेदन पत्र ओपन नहीं हो रहा हो, बीए बीकॉम बीएससी में आरएल या यूएम घोषित परीक्षार्थियों का परिणाम यदि डाटा अपलोड अपडेट नहीं होने कारण अभी तक घोषित नहीं हुआ हो, नियमानुसार महाविद्यालय अन्य परीक्षा प्रवेश लेने नियमित परीक्षार्थी, उसके बाद में है कि ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे वो यहाँ पे नया फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में बी है कि बीए बीएससी एडिशनल के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे वो यहाँ पे भर सकते हैं, और जो ये विद्यार्थी हैं ऐसे परीक्षा फॉर्म ये भी यहाँ पे भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे फाइव, यहाँ पे देखिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की व्यवस्था, किस तरीके से आपको फॉर्म जमा करवाना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था तीन प्रतियों में होगा, आपको महाविद्यालय में जमा करवाना है, विश्वविद्यालय में नहीं जमा करवाना है, और तीन कार्य दिवस तक महाविद्यालय में जमा करवाएंगे, मतलब कि तीन दिन के अंदर अंदर आपको ये हार्ड कॉपी है फॉर्म भरने के बाद में, से आपने आज फॉर्म भरा तो आज से तीन दिन के अंदर अंदर आपको महाविद्यालय में जमा करवानी है, और महाविद्यालय उस फॉर्म की जांच करेंगे सही है गलत है वहाँ पे देखेंगे, और आपको फिर एक रसीद देंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पे जमा हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे त्रुटि वगैरह होती है तो उसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे शपथ पत्र लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वयं पाठी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए, जो अभी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे रेगुलर विद्यार्थियों के लिए थी, ये प्राइवेट वालों के लिए क्या सिस्टम है तो उसको आप देख लीजिए। उसके बारे में यह है कि यहाँ पे शुल्क तो आपको वापस मिलेगा नहीं, दो प्रतियाँ होगी, हार्ड कॉपी यहाँ पे देखिए रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेज से शुल्क जमा कराने की तिथि से अगले तीन दिन, वो ही है यहाँ पे एक अपने पास में रखेंगे, बाकी यहाँ पे महाविद्यालय में जमा कराएंगे। आप जिस कॉलेज से फॉर्म भर रहे हो उसी कॉलेज में जमा करवाना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे देखिए ये कक्षा एवं संकायवार परीक्षार्थी सूची दो प्रति में प्रिंट लेके परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी दस्तावेज संकलन करें यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिए आप, इसको आप देख सकते हैं कि यदि स्वयं पाठी प्राइवेट परीक्षार्थियों ने प्रैक्टिकल विषय लिए हैं तो उन्हें नियमानुसार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना आवश्यक है। अगर प्रशिक्षण नहीं लेने वाले छात्रों को 2022 में परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। चौथा यहाँ पे पॉइंट है वो यहाँ पे देखिए स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को, प्राइवेट विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी जो विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिला सीकर झुंझुनू में 2.5 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पे 2.5 वर्ष से कोई निवास कर रहा है उन्हीं को यहाँ पे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। प्रमाण पत्र उन्हें परीक्षार्थियों को देना होगा जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन प्रथम बार होना है, कि मतलब कि जो 12वीं पास करके आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा साथ में कि हम यहाँ पे 2.5 वर्ष से रह रहे हैं, अधिक समय से रह रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इस बार काफ़ी दिशा निर्देश चेंज किए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये पता नहीं सेकावाटी ने कहाँ से बनाए इतने नियम कानून कायदे। उसके बाद में देखिए स्नातक सेम पार्टी परीक्षा, स्नातक दोस्तों यहाँ पे यूजी है और सेम पार्टी यहाँ पे प्राइवेट होने वाले वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें
संबंधी विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र से लेना होगा। प्रायोगिक शुल्क के महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। प्रमाण पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के 2 दिन की निर्धारित परीक्षा केंद्र जमा करवाना होगा, अन्यथा प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे बात करता है अक्स स्टूडेंट की, भूतपूर्व जो पहले के विद्यार्थी हैं जिनके पेपर अब तक पास नहीं हुए हैं, भूतपूर्व हो गए हैं, उनकी बात है। तो उनके लिए ऐसा है कि परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवाएंगे जहाँ से अक्स स्टूडेंट कैटेगरी में है, पढ़ाई रेगुलर कर रहे थे, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया। परंतु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो गए हैं, आप जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करे थे वो यहाँ पे बंद हो गया है, तो आपके आसपास में कोई भी महाविद्यालय वहाँ पे आपको जाना होगा और आपका फॉर्म वहाँ पे जमा करवाना है, ठीक है। और फिर वो यहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं कर्मचारी, वो यहाँ पे अलग से लिस्ट बनाएंगे और विश्वविद्यालय को सेंड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डी है, वो यहाँ पे महाविद्यालय, ये तो ऐसा ही है, आपको इसमें कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये आपका नहीं है। यहाँ पे सातवां पॉइंट है कि संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थी ध्यान रखे कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के बाद में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने कोई भी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें वैकल्पिक विषय होते हैं, चुनने होते हैं, अगर आपने गलत भर दिया है तो वो फिर बदलाव नहीं होगा। अगर आपको करवाना है तो वो यहाँ पे 200 रुपये लिए जाएंगे, जैसे आपके आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ इनरोल नंबर, इसमें कोई दिक्कत हो गई है तो फिर आपको 200 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी और वो विश्वविद्यालय के अंदर ही चेंज होगा, और वो भी एक माह के अंदर ही सुधार संभव है, एक एक माह के अंदर, ठीक है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 1 माह के अंदर अंदर आपको जमा वहाँ पे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाना होगा और वहीं ये चेंज होगा, 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे 9 पॉइंट है, वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे फीस के बारे में है, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 22 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे वो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके 10वीं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एडमिशन लिया है और आप फॉर्म भर रहे हैं, तो 10वीं 12वीं मार्कशीट और माइग्रेशन, अगर आप अन्य कोई विश्वविद्यालय से आए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से हैं तो नहीं लगेगा माइग्रेशन, और फोटो, साइन, आधार कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट लाने होंगे साथ में। और उसके बाद में देखिए, मैंने आपको बता दिया सेकावाटी विश्वविद्यालय के साथ में घोषित उनका परिणाम घोषित नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे जो बाहर के विद्यार्थी हैं माइग्रेशन नहीं लगाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे रिजल्ट घोषित नहीं होगा, माइग्रेशन आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। फेस फॉरम भंडे तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही है। उसके बाद में यहाँ पे डिप्टी में होना चाहते हैं, तो ये इतना खास नहीं है कुछ है। ये देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है कि पायलट द्वितीय की परीक्षा, द्वितीय वर्ष की परीक्षा में होना चाहते हैं, यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर आपने पास किया है और अब आप यहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेकावाटी विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके वैकल्पिक विषय नहीं थे, तो आपको जो आपके वैकल्पिक, जैसे हिंदी, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर, ये वैकल्पिक विषय हैं आपके, अगर आपके फर्स्ट ईयर में नहीं थे तो यहाँ पे आपके सेकंड ईयर में ये विषय होंगे और आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पास किया और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप सेकावाटी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 वर्षीय की उपाधि दी जाएगी, फर्स्ट ईयर की आपको यहाँ पे उपाधि नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे 2 वर्ष की डिग्री मिलेगी, 3 साल की डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा चेंज करते हैं। तो अगर आप सेकावाटी से पहले से हैं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है, आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। उसके यहाँ पे 13वां पॉइंट है, वो है कि स्नातक कला नियमित सेम पार्टी में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे नियमित और सेम पार्टी जो विद्यार्थी हैं प्राइवेट, पुरुष के लिए कला संकाय की हम बात कर रहे हैं यूजी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे गृह विज्ञान विज्ञान आप नहीं ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन और फिजिकल एजुकेशन विषय का चयन नियमित परीक्षार्थी हो यहाँ पे कर सकते हैं,
उसके बाद में यहाँ पे देखिए 15 पॉइंट है वो है कि यहाँ पे बीए बीएससी एडिशनल परीक्षा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिखावटी विश्वविद्यालय सिकरा नेता अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल ऐसे विषय में परीक्षा सम्मिलित नहीं सम्मिलित हो सकेंगे जो चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। बीए बीएससी एडिशनल प्रथम द्वितीय तृतीय सभी विषय सिलेबस के अनुसार एक वर्ष में ही उत्तीर्ण करने होंगे। तो ये आपको यहाँ पे जो ये यहाँ पे बीए बीएससी एडिशनल वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 16 पॉइंट है कि स्नातक कक्षाओं नियमित श्रेणी अंग सुधार हेतु प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तीर्ण केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष तक हेतु सॉरी श्रेणी सुधार उन्हीं विषयों में उस समय लागू सिलेबस के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो अपने अंक सुधारना चाहता है, जैसे आपने यहाँ पे थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया या फिर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आप सेकेंड ईयर में हैं और आप चाहते हैं कि नंबर सुधारें, नंबर अच्छे नहीं बन रहे, आप फिर से परीक्षा दोगे, तो अपने अंक आप सुधारना चाहते हो, फिर से आप सेकेंड ईयर में आपके फर्स्ट ईयर पेपर देना चाहते हो, तो यहाँ पे उनके लिए बोला जा रहा है कि जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस आपके लागू होगा। नया यहाँ पे जो अभी 2-2.5 क्वेश्चन आपको करने थे वही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो अभी यहाँ पे 2022 में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 10 में से, वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी पुनः देनी होगी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पेपर हैं आपके, उनके भी यहाँ पे एग्जाम आपको दोबारा से देनी होगी अगर आप अंक सुधारना चाहते हैं। समझे नहीं मेरी बात आप? मेरे हिसाब से मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और आपके नंबर अच्छे नहीं आए, और आप सेकेंड ईयर में तो हो चुके हो लेकिन नंबर अच्छे नहीं है, तो आप अंक सुधारना चाहते हो, तो उसके लिए बता रहा है कि आपको जो आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो यूजी की बात की जा रही है कि यूजी के अंदर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप फिर से सेकेंड ईयर में परीक्षा दे सकते हो, आपके जितने नंबर आते हैं वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जोड़ दिए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 17 पॉइंट है कि स्नातक कक्षा नियमित और प्राइवेट दोनों की बात की जा रही है। कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी सुधार हेतु जोड़े जाएंगे। जितने नंबर बन रहे हैं उतने नंबर यहाँ पे जोड़े जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 18 पॉइंट है वो है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार नॉन कॉमर्स परीक्षार्थियों जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट प्रथम वर्ग में अतिरिक्त अनिवार्य विषय एक अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है जो प्राइवेट हैं उनके यहाँ पे बात की जा रही है, और जो रेगुलर है उनको यहाँ पे बुक कीपिंग की परीक्षा नहीं देनी होगी। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि बीटेक उत्तीर्ण छात्र एमए एमएससी गणित के लिए आवेदन पत्र नहीं भरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 19वां पॉइंट आप देख सकते हैं कि स्नातकोत्तर वार्षिक प्रति कक्षा में अंग श्रेणी सुधार के संबंध में, ये दोस्तों पीजी के विद्यार्थियों के लिए एमए एमएससी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2021 में, यहाँ पे 2021 की बात की जा रही है, प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर परीक्षार्थी जो श्रेणी अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल है वो भी आपको देने होंगे फिर से, और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जो जैसे 10 में से 5 करने होते हैं वो भी आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी के आपको एग्ज़ाम देने होंगे अगर आप अंक सुधार करना चाहते हैं। अगर कोई प्रीवियस ईयर का विद्यार्थी है एमए एमएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है और वो अभी लास्ट ईयर में हो चुका है, वो चाहता है कि हम फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अंक सुधारना चाहते हैं कि और अंक बन जाए, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फीस फिर से जमा करवानी होगी और जितने क्वेश्चन है वो सभी आपको करने होंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है वो है कि अंक सॉरी स्नातकोत्तर पूर्वोद्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या अधिकतम 2 प्रश्न पत्र में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आप 2 विषय के अंदर अंक सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सभी में ही अंक सुधार कर, 6 पेपर होते हैं 6 के अंदर ही लगा दो, सॉरी यहाँ पे 4 पेपर होते हैं तो आप 4 में लगा दो, ऐसा नहीं है, 2
अधिकतम सॉरी एक अधिकतम दो के अंदर आप अंक सुधार कर सकते हैं। 2021 की परीक्षा की बात की जा रही है, अभी 2022 का फॉर्म भरा जाएगा, इसमें बात की जा रही है। यहाँ पे फॉर्म तो आपका वो भी भरा जाएगा और ये भी भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंक सुधार की बात की जा रही है और यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र में अंक सुधार की सुविधा नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में आप अंक सुधार नहीं सकते, जितने प्रैक्टिकल नंबर भेजे गए हैं आपके वही रहेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट पड़ी है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी जिसने पास कर ली है पूर्वोध और उत्तरोध पूर्वाध और उत्तरार्ध की सभी विषयों सैद्धांतिक एवं प्रैक्टिकल प्रश्न सहित में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हीं विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप इसको समझिए कि सभी विषयों के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल हैं या फिर सैद्धांतिक है, एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम जो आपका पहले पाठ्यक्रम था 2021 में एग्जाम हुआ था उसी के अनुसार आपको ये परीक्षा देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 20वां पॉइंट देखिए कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में आयोजित होने वाली दो मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 21वां पॉइंट है कि परीक्षार्थी किसी बकाया विषय को एक से अधिक बार उत्तीर्ण करता है तो स्नातक थर्ड में श्रेणी में निर्धारित हेतु उस बकाया विषय के न्यूनतम अंक जोड़े जाएंगे। जितने आपके नंबर बन रहे हो यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर आपके जोड़े जाएंगे, एक से अधिक बार आप उत्तीर्ण करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई विषय आपका, मैं जैसे बीकॉम से हूँ तो यहाँ पे एबीएसटी है, तो एबीएसटी मैं 5 बार कर चुका हूँ, उत्तीर्ण कर ली मैंने, ठीक है। तो अब वो नंबर है वो यहाँ पे थर्ड ईयर में आपके जोड़े जाएंगे, न्यूनतम अंक जोड़े जाएंगे बकाया जो है। उसके बाद में यहाँ पे 22वां पॉइंट वो यहाँ पे है कि कला संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कि वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय 3 प्रायोगिक विषय का चयन करने की अनुमति नहीं है। हिंदी साहित्य के साथ उर्दू संस्कृत विषय का चयन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है कि जो आपका शुल्क है, फीस शुल्क के बारे में बात करता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो के 2 पार्ट है तो आपको देखने होंगे, अगर 3 होते तो अभी आपको देखने होंगे। फीस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितनी कितनी फीस आपको देनी होगी, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में मैं आपको जितना भी नीचे मैटर है सब कुछ बताऊँगा, समझाऊँगा आराम से। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगला वाला वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए कोई इश्यू आता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो PDS हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।